तो भाई यहाँ पे आया था घर के पास और ये शख्स लाया मुझे इधर। आइयो ओ कुणाल, इधर लाइट में आ जा। अभी क्या है, 151 था क्या? तो मैं तो आया था इधर उधर से घूम के और ये मेरे को यहाँ लेके आ गया है क्योंकि ये अपना काम धंधा कर रहा है, तो ये टेस्ट करके देख रहा है कि कैसा है। और हम कल से जिम जाने वाले हैं, कल से जिम जाने वाला मेरे साथ। और टेंशन भी ले रहा है, तो कल से हम लोग जिम जाने वाले हैं और आज हम लोग बाहर से खाना खा रहे हैं। मतलब देख रहे हो आप, देख रहे हो लाइक मैं तो जा ही रहा हूँ डेली। इसे कह रहा है नहीं भाई मैं तो आज खा लेता हूँ फिर कल से छोड़ देंगे, अब देखते हैं। तो एक हमारे आगे चिली पोटैटो और अब क्या आ रहा है भैया, अगला क्या है? चीजी मोमोज। तो पहले ये खा के देखना है, तू बता पहले खा के कैसा है ये वाला। नहीं है स्वाद नहीं, चलो कोई नहीं, अब पैसे दे दिए अब खाना पड़ेगा। भाई करारे करने गई थी, करारे तो नहीं है घर पर, ठीक है कोई बात नहीं। तो ये आ गए भाई चीज़ी मोमोज। भाई पहले ना ये खा के दिखा दे ना थोड़ा, चीज़ वीज कैसा है इसमें, क्या है चीज़ कहाँ है इसमें भाई। कोई नहीं अभी हम खा लेते हैं, इट्स ओके ठीक है। बाकी अब सुबह मिलते हैं सीधा जिम में। सो एडिटिंग लाइक अभी जस्ट घर पे आया हूँ, मतलब आप टाइम देख लो, टाइम हो गया 9:30, जस्ट अभी घर पे आके बैठा हूँ तो मैंने कहा एडिटिंग भी कर लेता हूँ। 9:30 बजे घर पे आया हो यार, अब मैं सोच रहा हूँ कब एडिटिंग कंप्लीट होगी और कब मैं, मतलब वो एक बस आज का है थोड़ा सा। और कल अगर मैं ये आलकस ना करता, इसको लेजीनेस कहते हैं, अगर मैं ये लेजीनेस कल ना करता तो मेरा ब्लॉग आज सुबह ही पब्लिश हो जाता। और अब मुझे एडिट करना है, मुझे समझ नहीं आ रहा 10 बजे अगर मैं इस ब्लॉग को लाइव करता हूँ तो पता नहीं इस पर कितने व्यूज़ आएंगे क्या होगा, लाइक वो थोड़ा सा होता है ना बिगड़ जाती है चीज़ें, बट कोई नहीं ठीक है यार। अपना देखो रूटीन नहीं तोड़ना, डेली एक ब्लॉग तो डालना है चाहे कैसा भी है, ठीक है कोई बात नहीं। मेरे को इसी से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है कि मेरे पास अभी कम व्यूज़ आ रहे हैं, उसका एक रीज़न यही है कि भाई देखो मैंने किसी और चीज़ के लिए चैनल स्टार्ट करा था, मैं किसी और चीज़ में घुस गया हूँ, तो ऑब्वियसली वो थोड़ा सा होता है कि आपको लोग कम जानते हैं अगर आप किसी एक लाइन से दूसरी लाइन में चले जाते हैं। एंड एक इंसिडेंस शेयर करना चाहूँगा जस्ट अभी का, मैं आज कार लेके गया हुआ था क्योंकि दिल्ली में मंडे आज है और डेट है 23, तो बारिश हो रही थी, तो मैं इसलिए सुबह आज कार ले गया था अपने जहाँ मेरे को जाना था। एंड हुआ ये अभी जब मैं वापस आ रहा था तो एक बाइक वाला आता है, मैं ईस्ट दिल्ली से हूँ तो ईस्ट दिल्ली कश्मीरी गेट पड़ता है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में, तो कश्मीरी गेट के पास था मैं, कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन के पास, वहाँ से भी एक आदमी आता है बाइक पे एंड वो बाइक को खींचता हुआ आ रहा था, लंगड़ाता हुआ, तो एकदम से बाइक के गाड़ी के आगे आता है और वो हाथ देता है कि रुको। मैं नहीं रुक रहा था एंड एकदम से मैं रुका, तो मैंने पूछा, मैं कहा क्या हुआ, वो कह रहा चला नहीं दिया थी, नहीं क्या हुआ ठीक है। मैंने पहले राम सोलह में कहा क्या बात हो गई, क्योंकि इस टाइम पे अगर आप ऐसे भी नहीं बोलोगे तो वो आपको और ज़्यादा लाइट लेगा, तो मैंने थोड़ा सा बोला क्या बात हो गई, कहता कि मेरे पैर पे चढ़ा दी तुमने। एंड मेरे को समझ नहीं आया कि उस टाइम क्या करूँ, तो मैं थोड़ा हुआ, मैंने अपने आप को संभाला, मैंने कहा ऐसा है शांति से यहाँ से निकल जा, मतलब बोला तो मैंने बहुत अलग वे में था और अलग तरीके से चीज़ें थी, वो मैं ब्लॉग में शेयर करूंगा तो आप लोग मेरे को गलत समझोगे। तो बट ये था कि आपको उस टाइम पे ना घबराना नहीं है बिल्कुल भी, मैंने वही चीज़ करी, मैं बिल्कुल नहीं घबराया क्योंकि मैं ऐसे इंसिडेंट्स काफ़ी बार देख चुका हूँ अपनी लाइफ में। मेरे साथ तो पहली बार था, मतलब पहले भी बहुत ही पहले हुआ था और ये पहली बार हुआ था, तो मैंने कहा ठीक है मुझे पता है मुझे कैसे ट्रैकल करना है और मैंने उसी तरीके से, तो इसीलिए कहते हैं दब्बू बन के नहीं रहना, दब्बू लाइक दब के नहीं रहना है, थोड़ा सा आपको बाहर भी निकलना होता है, सिर्फ शहरी लोग नहीं या फिर गांव के ही लोग नहीं, तो मैं वो दोनों का मिक्सचर हूँ और मैं अच्छे तरीके से इन चीज़ों को हैंडल कर पाता हूँ, तो मैंने उसी तरीके से वो चीज़ हैंडल करी और मैं अपना सेफ घर आ गया आराम से। तो और वहाँ पे काफ़ी लोग थे जिन्होंने बाद में कहा कि यहाँ पे यही चलता है डेली का ही है, और मैं खुद डेली आता हूँ तो मेरे को पता ही अच्छे से कि वहाँ पे आखिर ऐसा क्या है क्या नहीं है। और बाकी अब सुबह मिलते हैं जिम में, पता नहीं कितनी लंबी क्लिप होगी है। सो अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू द एक्सप्रेशन ऑफ ऊपर का, सब लोग बढ़िया हो मज़े में हो। तो आज मेरी आंखें भी थोड़ी सी ऐसी लग रही होंगी क्योंकि पहले संडे का ऑफ हुआ और मंडे भी मैं जिम नहीं आ पाया क्योंकि बारिश हो गई थी, फिर
जाना था एंड रात को जिम हो ही नहीं पाता, इसीलिए मॉर्निंग में आता हूँ। तो आज रूटीन टूटता टूटता बच गया मेरा, वरना आज भी सुबह ऐसे ही उठता छोड़ अब, बट नहीं यार आना था जिम तो आ गया हूँ। अभी ट्रेडमिल ले रहे हैं और आज इसके बाद होने वाला है मेरा चेस्ट और बैक, आज दोनों ही लेने वाला हूँ क्योंकि ट्यूसडे है आज और कोई भी एक्सरसाइज मिस नहीं करनी है। तो चार एक्सरसाइज मैं करूँगा, चेस्ट की चार करूँगा, बैक की, और अभी तो जो जो मेरे को पता है वो करूँगा। भैया भी आ रहे हैं कहीं से गए हैं, चलो इसकी स्पीड बढ़ा लेते हैं। और जैसा मुझे कहीं ना कहीं शक था वही हुआ, कुणाल नहीं आया क्योंकि भाई लाला जी है वो, उनका पेट निकला हुआ दिखना चाहिए और उनका पेट अभी निकला ही नहीं है। मेरे को लग ही रहा था मैं कहीं मुश्किल ही जाएगा और वही हुआ, हुआ है नहीं। कोई ना, मैं अपना जिम करता हूँ फटाफट से निपटाता हूँ आज। आप पता है कल क्या हुआ है, मतलब रात को मैं 11:30-12 बजे तक सोया हूँ एडिटिंग करके, और फिर भी वो हाफ एडिटिंग हुई है। उसके बाद अब वापस जाके जल्दी से अगर हो पाया तो एडिटिंग करूँगा, फिर रात को एक और व्लॉग की एडिटिंग करनी है। मतलब मैंने अपने लिए ना एक मुश्किल से खड़ी कर ली है, एक दिन में 2 एडिटिंग, और मेरे को इतनी आदत नहीं है तो अभी देखता हूँ जल्दी जाके जितनी एडिटिंग हो पाई उतनी करूँगा, और हुआ तो ब्लॉग टाइम के लिए 12 बजे के लिए अपलोड करूँगा। तो ग्लव्स हमने पहन लिए और आज पूरा शूट जो भी होगा हमारा आईफोन से मैं करने वाला हूँ, इसीलिए लिया था कि थोड़ा सा इससे भी शूट वगैरह कर लेंगे और इससे क्वालिटी आती है अच्छी। और अगर मैं करता यही शूट अपना गोप्रो से तो गोप्रो से भी मज़ा नहीं आ रहा था, सही हम भी बोल रहा था ये पीछे और भी काफ़ी लोग बोल रहे थे कि यार गोप्रो से मज़ा नहीं आ रहा। और ये वही टी शर्ट है जब मैंने जिम स्टार्ट किया था और अभी भी मेरा पेट उतना ही है। हो जाएगा जल्दी हो जाएगा। जो मेरे को कभी पसंद नहीं आती, और पसंद इसलिए नहीं आती क्योंकि मेरे से हो नहीं पाती ढंग से, बट क्या करना ही। पहले बटरफ्लाई लेने वाले हम, और भैया बटरफ्लाई के साथ साथ डंबल लेने वाले हम फ्लैट पे, ठीक है। एक सेट ये होगा, एक सेट हमारा फ्लैट बेंच पे डंबल के साथ होगा। उसके बाद हम करने वाले हैं फ्लैट बेंच पे आपका डंबल्स, तो वो भी आपको दिखा देते हैं आखिर कैसा है क्या है और मैं उसे किस तरीके से कर सकता हूँ। ये वाला फ्रेम भी सही है, लाइट लाइट काफ़ी आ रही है। चलो फ़ोन सेट करता हूँ और करते हैं। फटाफट से अपने वाले सेट निपटाते हैं एंड देन आपको बताता हूँ नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या मैं करने वाला हूँ कैसे करना है। 5, 7:30 और 10 ये कंप्लीट हो गया। अब फ्लैट रॉड चलेगी जैसे, बस अब वेट कम करूँगा और लेते हैं। क्या कह रहे हो भैया? आज थोड़ा सा लाइक वो कहता है डीमोटिवेट सा वैसा फील कर रहा हूँ, मज़ा सा नहीं आ रहा आज करने में तो, क्योंकि क्या हुआ ना 2 दिन का ऑफ हो गया, 3-4 दिन ही आया मैं और फिर उसके बाद 2 दिन का ऑफ हो गया पूरा।
तो इसलिए थोड़ा सा हो जाता है कि नहीं कर पाते हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं तो ऐसा लगे तो तुझे यार कॉफ़ी पी लेती है ना, कॉफ़ी वर्कआउट का। हाँ वो उसके लिए सही रहती है वो, खाली मतलब कॉफ़ी ऐसे खा लो और पानी पी लो उसके ऊपर, कॉफ़ी ले लें डार्क चॉकलेट ले लें, थोड़ा आपको चार्ज करते हैं, बूस्ट अप करते हैं और थोड़ा सा एनर्जी आपके शरीर में बढ़ जाती है। एप्पल से भी होता है? चलो देखेंगे। और बाकी ये है कि मतलब ऐसा कोई है नहीं कि भाई जिम नहीं करना है कुछ है, जस्ट ये है कि अभी चीज़ें कुछ ऐसी चल रही हैं दिमाग में और लाइफ में जिन्हें लेके थोड़ा सा डीमोटिवेट हो गया हूँ, और जिम करने में थोड़ा सा आलस आ रहा है, लाइक आलस नहीं मन नहीं है अंदर से किसी भी चीज़ के लिए इस टाइम पे। तो अगर एक बार वो सारी चीज़ें ठीक हो जाएँ फिर हम आगे बढ़ सकते हैं एक अच्छी पॉजिटिवनेस के साथ। और अभी जैसे चार दिन में आया था अच्छे से आया था, कोई दिक्कत नहीं थी, बट सैटरडे को शाम को या संडे को थोड़ा मूड ख़राब हो गया, और वो अभी तक ख़राब है, अभी तक भी ठीक नहीं हो पाया। कोशिश करेंगे सब कुछ जल्दी से ठीक हो और आप लोगों को वापस से उसी तरीके से मैं मिल पाऊँ। एंड अभी क्या है, आज मैं चेस्ट और एब्स लेने वाला हूँ, ठीक है। चेस्ट में अपनी अधिकतर एक्सरसाइज कम्प्लीट हो गई है, कम्प्लीट क्या, अभी अब मेरे को लेना है इंक्लाइन बेंच, उसके बाद डिक्लाइन होगा शायद। और जुनेद जी भी आ गए हैं, और जुनेद जी क्या हाल है, ब्लॉग देख रहे हो जी? सच में? सच में वही जुनेद मेरा ब्लॉग देख रहे हो तो कैसा लगे ब्लॉग, कोई दिक्कत परेशानी नहीं? बिल्कुल भी नहीं। क्या देखा वो ब्लॉग्स में? यार अच्छा लगा मेरे को वो थंबनेल, ना लूं ले लो मुझे क्या, बस तो फिर दबा लड़का डबल डबल क्वेश्चन कर। चलो ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं? तो चलो यार अब स्टार्ट करते हैं अपना आगे का वर्कआउट, फिर जल्दी से घर निकलना है क्योंकि शायद एडिटिंग अभी ही करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी साथ भी नहीं हो जाए, 15-20 मिनट है तो ठीक है अभी करा करा के खत्म करेंगे। तो हम इंक्लाइन बेंच लेने वाले से मैंने अभी आपको बताया था, स्टार्ट करते हैं क्योंकि यहाँ पर अब फ़ोन को रखने की जगह नहीं है, तो इसीलिए मैं फटाफट से इस एक्सरसाइज को निपटाता हूँ, फिर मिलते हैं। रॉड हो गई, उसके बाद मैं डंबल ले रहा हूँ उसके, और अगेन अब बस नीचे चल गई बात करेंगे क्योंकि अब बिल्कुल बंदे हुए। और बस चलते अपना हो गया जितना होना था वर्कआउट आज के लिए, बस अब शायद एक कैब्स की 2-3 एक्सरसाइज करूँगा एंड देन विल बी। तो भैया आप मेरे को बताओ कि आज हम एप्स के लिए कौन कौन सी एक्सरसाइज करने वाले हैं? हाफ क्रंचेस, ठीक है ठीक है ओके, लेग रेस ठीक है, ओके चलो ये पहले निपटा, जो हालत है अभी उससे पहले यही करना थोड़ा सा वो हो जाएगा, तो पहले यही कर लेते हैं फिर मिलते हैं। और मेहनत करता है ये लौंडा सही हम, ठीक है। और चलो पहले कर लेते हैं, देख लेते हैं कितना होता है कितना नहीं होता है। तो भाई ये देख लो, ये है लोनी घी, ठीक है। अभी पराठे वो मैंने थोड़ा सा जरा खा लिया था तो इसलिए ऐसा है। और ये मेरा मैंगो शेक, कोशिश कर रहे हम थोड़े पतले हो जाएं, लेकिन हमारी मम्मी हमें चाहती नहीं है कि हम पतले हों, है मम्मी तो मम्मी ऐसा चाहती नहीं है। और जस्ट अभी खा के निकलते हैं अपने और दूसरे कामों के लिए, और ब्लॉग एंड नहीं करा है तो ब्लॉग का एंड भी बाहर ही करेंगे। सो दिन ख़त्म हो गया, लेकिन मेरे को याद ही नहीं रहा कि मैंने ब्लॉग एंड नहीं करा था, एंड अभी जस्ट ब्लॉग एंड कर रहा हूँ। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग टिल हियर, यहाँ तक देखा होगा तो पसंद भी आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। एंड काम से बाहर आया हुआ था, अब जस्ट घर जा रहा हूँ,
सो अगेन थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग टिल हियर. यहाँ तक देखा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना. इंस्टाग्राम की आईडी आ रही होगी, फॉलो कर लेना. थैंक यू.